हेलो फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और एक खास खबर जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड के पास टाइल एक्टर यानी कि भैया सुपर स्टार अजय देवगन की फिल्म से। तो दोस्तों, इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, आप अपने कमेंट के माध्यम से बताना। तो भैया मुझे पता है कि आप जो जवाब देने वाले हो वही जवाब मेरे दिल में ही है, यानी कि भैया वो फिल्म है तानाजी द अनसंग वॉरियर। यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों इस वॉरियर का मुकाबला करने वाला कोई दूसरा एक्टर है ही नहीं। यानी कि भैया तानाजी द अनसंग वॉरियर ने जिस दिन से बॉक्स ऑफिस पर एंट्री मारी है उसी दिन से इस फिल्म का कब्जा जो है वो बॉक्स ऑफिस पर हो गया है। तभी तो इस फिल्म पहले वीक में धमाकेदार कलेक्शन करते हुए 118 करोड़ 91 लाख का बिजनेस किया, यानी कि पहले वीक में ही इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया। और उसके बाद बॉस सेकेंड वीक में भी इस फिल्म का जलवा इस कदर है कि भाई ये फिल्म 150 करोड़ से महज 5 कदम की दूरी पर खड़ी है। यानी कि इस फिल्म ने 9 दिनों में जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है तो वो है 145 करोड़ 33 लाख रुपए। यानी कि भैया 2 दिनों में भी इस फिल्म का जो जलवा रहा बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार रहा, यानी कि सेकेंड वीक में। तो भैया सेकेंड वीक में फ्राइडे को इस फिल्म ने जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था तो वो था 10 करोड़ 6 लाख रुपए। और उसके बाद सैटरडे को यानी कि कल इस फिल्म ने 16 करोड़ 36 लाख रुपए का बिजनेस कर लिया है। और ऑब्वियस है बॉस, आज ये फिल्म 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी और मुझे तो लगता भैया ये आंकड़ा जो होगा वो लगभग 170 के ऊपर होगा, यानी कि 171 करोड़ 172 करोड़ का बिजनेस ये फिल्म आज आराम से बॉक्स ऑफिस पर कर सकती है, क्योंकि इस फिल्म का मुकाबला करने वाली कोई दूसरी फिल्म इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर है ही नहीं। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए भैया कि इधर तो लगता है कि 170 करोड़ का बिजनेस आज ये फिल्म आराम से बॉक्स ऑफिस पर कर लेगी, लेकिन ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा कब तक बॉक्स ऑफिस पर पार करेगी, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और मान्य अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।